बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया। अगस्त में खुल रहे कॉलेजों को लेकर उन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने को लेकर पूरी तैयारियां हैं, विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, 50% स्टाफ के साथ कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावकों से मांग की थी कि सुरक्षा के साथ कॉलेज खोले जाए, दोनों वैक्सीन लगने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना लगातार हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। कुलभूषण, उच्च शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि 50% हमने माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षा समूह की बैठक में ये निर्णय कराया और उनने भी सहजता के साथ किया कि हमको बहुत दिनों तक ये कोरोना के कारण से शैक्षणिक गतिविधियों को बंद नहीं कर सकते, कॉलेज को हमको खोलना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि हमने कल जब हमारा प्रेजेंटेशन किया उसमें जून और जुलाई में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर किया था, अर्थात UG और PG की परीक्षाओं के उपरांत अगस्त में एडमिशन की प्रोसेस चालू करते हुए, अगस्त के सारे एडमिशन के प्रोसेस करने के बाद सितंबर से शैक्षणिक सत्र विधिवत रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोरोना के गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे, जैसे हमारी 50% की छात्र संख्या के आधार पर हम उनको कॉलेज में बैठने के लिए ऑफलाइन पढ़ाई चालू करवाएंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के लिए उनका अपना सर्टिफिकेट जो मोबाइल में होता है वो लेकर आने की बाध्यता होगी, दो डोज के बाद ही हम उनको आने के लिए अनुमति देंगे। और हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। कुलभूषण, क्या योजना रहेगी? 50% स्टाफ को पहले बुलाया जाएगा और जो बाकी 50% स्टाफ है उनका नंबर कब आएगा? बिल्कुल, सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक साल से अधिक का समय बीत चुका है और कोविड की दूसरी लहर भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार यहाँ पे लगातार जो इंतजाम है वो करती हुई नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, बैठक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल तो अभी नहीं खोले जाएंगे, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ये बयान है कि हम अगस्त से सितंबर के बीच जो है कॉलेज खोल सकते हैं। 50% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और जिन्हें वैक्सीन लगी है उन छात्रों को ही कॉलेज के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगना यहाँ पे अनिवार्य है, तभी जो है कॉलेज के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक ये बड़ी खुशखबरी है कि अब अगस्त के बाद जल्द ही जो है महाविद्यालय खोले जाएंगे। कुलभूषण, इसी के साथ जो छात्र हैं उनके लिए क्या कुछ अनिवार्य होगा? बिल्कुल, यहाँ पे कोविड के दौरान ये देखा गया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो जो नियम महाविद्यालयों की तरफ से बनाए जाएंगे, सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क पहन के ही जो है छात्रों को गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों डोज अगर छात्र छात्राओं को लगे होंगे तो ही महाविद्यालय में बैठने की परमिशन दी जाएगी। जो महाविद्यालय का स्टाफ होगा उन्हें सिर्फ 50% स्टाफ को ही जो है महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और स्टाफ को भी जो है वैक्सीन के दो डोज लगना अनिवार्य है। तो यहाँ पे लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। महाविद्यालय को सबसे पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद जो है अभी फिलहाल में जो ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही है, अब ऑनलाइन के बाद एक बार फिर से जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, वो महाविद्यालय पहुंच सकेंगे और एक बार फिर से जो उनकी रेगुलर पढ़ाई है वो शुरू हो सकेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है ऑनलाइन के माध्यम से उनकी पढ़ाई यहाँ पे शुरू है, लेकिन अगस्त से सितंबर तक जब महाविद्यालय खुल जाएंगे तो तमाम नियम को फॉलो करते हुए जो है छात्र छात्राओं को कॉलेज महाविद्यालय पहुँचना होगा। कुलभूषण, जैसा कि मंत्री मोहन यादव को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी है और उम्मीद है कि जल्दी ही कॉलेज खुलेंगे और सुरक्षा चाक चौबंद होगी। कुलभूषण बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जान